बसमलर मौजिद सामिनी कराम अम वर्कू प्रोग्राम ज़ाए चिश्त के साथ मोहम्मद बकर पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है नाजेन कराम सिलसिल आलिया चिश्तिया के मशाइ का तस्करा जारी है और आज भी हम इसी सिलसिले के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा फ़ज़ैल इब्न अयाज़ रे हवाले से मुख्तसर तस्करा करेंगे जो कि सिलसिल आलिया चश्तिया के चौथे बड़े इमाम हैं आप रहमल तलह के अजदाद का ताल्लुक तो कुफा से था लेकिन आप रह तल की वलादत बासादत समरकंद या बुखारा में हुई आप रहा तय ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतल्ल तैय के सामने जानू तलमुज तय किया और उसके बाद आप रहा तलहय बसरा तशीफ ले गए और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रमोतल्ल तैय के तस्ते हक परस पर बैत होने की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन आप रहमतल्लैय ले जब बसरा तशीफ ले गए उस वक्त हज़रत खाजा सन बसरी रहमत ला ले, इस दुनिया से तशीफ ले ले जा चुके थे और उसके बाद आप रहा हज़रत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद रजी ताला की खिदमत में हाज़िर हुए और आपके दस्तहक परस्त पर पैत हुए और आप, आप रहमत ला तलह से खिर कलाफत पाया नाजरीन कराम आज हीम शख्सियत के हवाले से गुफगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हज़रतम डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन साहिब नज़री सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश हमदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब हजरत ख़्वाजा फ़ुजैल इबन अयाज़ रजी अल्ल आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से हमारे नाजीन को कुछ आगाह फरमाए बसमीम जी मोहतरम अबू बकर पीरजादा साहब आपने बड़े अच्छे अंदाज़ में हजरत ख्वाजा फ़जैल इब्न अयाज़ रजी अल्लाह तुम का इब्तदाई तारफ़ पेश किया आप सिलसिला चश्तिया के अज़ीम बुजुर्ग हैं एक अजीम मुहद्दस हैं एक अजीम फकी हैं सूफ़ी हैं और अल्लाह रबुजत ने उन्हें एक कसीरजहाद शख्सियत होने का शरफ़ अता किया और एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि जिनका तस्करा पढ़ कर सुन कर लाखों लोगों को तोबा इस्तफार और अल्लाह रबुुल्ज़त के रास्ते पर आने की सादत हासिल हुई है हज़रत ख्वाजा फ़जैल इबन अयाज़ रजी अल्लाह तन हो आप तरीकत का वो अज़ीम चराग हैं जो हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी के बाद हज़रत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और वहाँ से उनको फ़िरक ख़िलाफ़त मिला लेकिन जब हम उनके इब्तदाई आल देखते हैं तो हैरत होती है कि एक ऐसी ज़िंदगी इब्तदा में गुज़ारी जिसमें अल्लाह रबुल्ज़त के रास्ते की तरफ रुजू नहीं था जिक्र फ़िक्र का कोई गलबा नहीं था बल्कि ये कैशो इशरत की ज़िंदगी है और उसमें फिर इस हद तक आगे गुजर जाते हैं कि जो है वो डाका जनी और रास्ते में लोगों का माल लूटना और इस तरह का शुगल अपनाते हैं जिसकी वजह से हर तरफ़ वो इसी नाम से मशहूर होते हैं और लोग उनका नाम सुनकर कांपते हैं और रात के वक़्त सफ़र पे नहीं निकलते कि फ़जैल इबन अयाज़ अपना पूरा जत्था लेकर उनका माल लूट लेंगे हज़रत सदना दाता अली हुजेरी ने कशफुल माजूब शरीफ़ में जहाँ हजरत ख्वाजा फ़ज़ैल इबन अयाज़ का तस्करा किया है वहाँ आपने सात शुरू में यह भी लिखा है कि आपकी सीरत में एक बहुत बड़ा सबक यह भी मौजूद है कि इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तो इतनी ज़िंदगी गुज़र चुकी अब मैं सरात मुस्तकीम पे कैसे आऊँगा कि जब फज़ैल इबन अयाज जैसा शख्स के जिनकी इब्तदाई सारी जिंदगी जो है वो दीन की रास्ते से दूर और फिर एक जो है वो डाका और चोरी के अंदर या डाके में गुजरी है जब वो फिर इतने बड़े तरीक़त और शरीयत और हदीस के इमाम बन सकते हैं तो ये क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए सबक है कि जब भी इंसान स़रात मुस्तकीम पे आने के लिए सच्ची तौबा कर ले और पुराज़म हो जाए तो अल्लाह ताला उस पर अपने रास्ते जो है वो खोल देता है मुझे वहाँ यहाँ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें खुद सी वो याद आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया अना इंदा अब्दी बी कि मैं अपने बंद अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे मामला करता हूँ व अन हूँ इज़ा ज करी जब मेरा बंदा मुझे याद करे तो मैं उसके साथ होता हूँ इन ज करी फ़ी मला इन कर तो हूँ फ़ी मला खैर मिन अगर मेरा बंदा तनहाई में मुझे याद करे मैं तनहाई में याद करता हूँ अगर मेरा बंदा मुझे महफ़िल में याद करे मैं महफ़िल में उसे याद करता हूँ अगर वो एक कदम मेरी तरफ़ आता है मेरी राहमत दस कदम आगे बढ़ के उसका इस्ताल करती तो यही फ़जैल इबन अयाज़ हैं जो एक सौ सात हिजरी में पैदा हुए और एक सौ सतासी हिजरी में इनका विसाल हुआ और कुल अस्सी साल इन्होंने उम्र पाई है लेकिन उम्र का आगाज़ और इब्तदाई साल जो हैं वो इस तरीके से गुजरे लेकिन फिर अल्लाह ने इतना मकाम अता फ़रमाया कि आखिर में जब विसाल हुआ तो जन्नतुल माला में हज़रत सदा ख़तीजतुल्कुब्र रजी अल्लाह तह उमोमिन उनका साथ इनको मैसर आया कि वहीं पर अपनी रूहानी वालदा के पहलू में ये मदफ़ून है और मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे इनका जसद खाकी आज भी मर जाए ख़ास आम है और लोग इनके मज़ार पे हाज़िर होते हैं तो सैदा पाक को भी सलाम करते हैं और साथ इनकी रूह पुरफतू को भी सलाम अकीदत व महबत पेश किया जाता है डॉक्टर साहब बड़ी आपने खूबसूरत इब्तदाई हवाले से उनके जो है वो गुफ्तु फरमाई है तो डॉक्टर साहब आपने उनकी तोबा के हवाले से ज़िक्र किया तो वो उनकी तोबा का जो है वो बड़ा एक अजीब वाक़ है तो उस हवाले से और आपके जो मुआसरन हैं इस हवाले से हमें कुछ आगाह फरमाएँ जी बिल्कुल उनकी जो तोबा का वाक़ है वो बहुत असर अंगेज़ भी है और अजीब भी है और हैरत अंगेज़ भी है इनके बारे में जो सीरत नगार हैं और सवान नगार हैं उन्होंने ये लिखा है कि अगरचे डाका तो डालते थे लेकिन इनके दिल में शुरू से अल्लाह रबुल्ज़त के शौक़ और अल्लाह की मखलूक पर रहम का एक जज्बा मौजूद था कि जब किसी के पास कोई देखते गए कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद भी किया करते थे और ये चीज़ें उनके यहाँ मौजूद थी और अल्लाह ताली जब किसी बंदे को उसने अपनी तरफ बुलाना होता है तो उसके दिल में कोई ऐसा जज्बा ज़रूर रख देता है कि वह नूर की किरण बन के उसे मौला के रास्ते पर डाल देता है तो आप जो है वो डाका डाला करते थे और रात को इसे अरबी में कत व तरीक कहा जाता है कि लोगों का रास्ता रोक के उनकी जेब से चीज़ें निकलवा लेते थे, थे तो एक काफ़िला जो आ रहा था उन्होंने कहा कि आज तुमने फज़ैल के रास्ते से गुज़रना है तो क्या तुम बच के गुज़र पाओगे तो उस काफिले के सरदार ने कहा कि हमें पता चला है कि वो अगरचे डाका तो डालते हैं लेकिन फिर भी उनके दिल में खौफ ख़ुदा मौजूद है तो उन्होंने बजाय कोई मुहाफिज साथ रखने के एक अच्छा कारी कुरान साथ रखा जो दर्दो सोज से कुरान की तिलावत किया करता था और वो काफ़िले के आगे आगे कुरान पढ़ रहा था और काफ़िला कुरान की तिलावत सुनते हुए आगे बढ़ रहा था और जहाँ वो जो है वो घात लगा के बैठे हुए थे वहाँ जब कारी की आवाज़ आई तो अल्ला रबुल्ज़त ने वही लम्हे उनकी तोबा के रखे थे कि कारी की आवाज़ जो है उसकी ज़ुबान पर यह आयत आ गई अलम या अनिलज़ीना आ मनु अन तकश आलूब हम ज़िक्र वमा नज़ला बिन हक़ कि क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह रबुल्ज़त के शौक़ और उसके खौफ से लरज उठें और जो अल्लाह ने हक़ बना के कुरान नाजिल किया है उससे उनके दिल के अंदर एक शौक़ और वलवे की कैफ़ियत पैदा हो जाए कब वो वक्त आएगा तो वो वक्त हज़रत फ़जैल इबन अयाज़ के लिए आ गया उनकी आँखों से आँसू जारी हो गए और सारे हथियार उनके छूट गए और उनके जो है वो ज़ब्त का बंधन टूट गया और फिर वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस काफले के सामने आए और उस उसकारी कुरान के हाथ पे उन्होंने तोबा की और फिर ऐसी सच्ची तोबा की कि उनकी उस तोबा की वजह से उनके साथ सारे रफ़ जो हैं वो तायब हुए और फिर ये तोबा इतनी नफा बख्श हुई कि आपने अपनी पहली ज़िंदगी में जिन जिन का माल लूटा था ढूंढ़ ढूंढ के उन्हें उनका माल वापस करना शुरू कर दिया हती कि जब सारा माल खत्म हो गया तो एक यहूदी जिसका माल वापस करना था उसके पास चले गए और कहा मैंने तेरा माल भी लूटा था अब मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है मैं तेरी नौकरी करता हूँ और जितना तेरा माल लूटा था जब उतनी नौकरी पूरी हो जाए तो फिर मैं तेरे घर से जाऊँगा तो उसने जब उनकी उनकी इस खशियत का आलम देखा तो उसने अपना हक माफ़ किया और फिर ये इन इनके दिल में हसूल इल्म का शौक पैदा हुआ और उस उम्र में फिर ये निकले और सफ़र करते हुए मक्का मक्रमा में पहुँचे और सफ़र करते हुए फिर इराक़ पहुँचे और वहाँ हज़रत सैद्ला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रमतल की मजालस में बैठना शुरू किया इल्मिल करना शुरू किया और बैतुल्ला शरीफ की ज़्यारत की और फिर उसके साथ साथ बैत के अजीम इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सदक रज़ी अल्लाह तन हो जो सच्चों के भी इमाम हैं उनकी बारगाह में भी हाज़र हुए और आपकी सहबत में बैठ कर भी इकतसाब फ़ैज़ किया हज़रत सैद्ला सुफियान सौरी जो बहुत बड़े मुहदस हैं उनसे भी इल्म हदीस सीखा और अपने वक्त के जलील अजा के सामने जानू तलमज तय किया और सुलेमान बिन महरान एक बहुत बड़े मुहदस से उनसे भी इकतस फैज़ किया और फिर इल्म के उस मकाम पर जा पहुँचे कि इनके तलामज़ा में से हज़रत सदना अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम आता है हज़रत सफियान बिन उैना का नाम आता है और अब्दुलमलिकसमी का नाम आता है और फिर जो है वो इन जब ईल हासिल कर लिया और इल्म हदीस हासिल कर लिया और उसमें एक कमांड पैदा हो गई फिर शौक़ पैदा हुआ कि नाम सुना था बसरा में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग का जिनका नाम हजरत सैदुना हसन बसरी रजी अल्लाह तौर में बसरा जाऊँगा और उनके हाथ पे बैत करूँगा लेकिन जब वहाँ पहुँचे हज़रत का विसाल हो चुका था तो उनके ख़लीफ़ा और उनके मुरीद हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद के दस्ते हक परस्त पे बैत की और मौला अली से जो फ़ैज़ का सिलसिला चला था उसके अंदर इनका इकतसाल हुआ और इनको फिरक खिलाफत भी नसीब हुआ अब ज़ाहिरी और बातनीलूम जमा हो गए और दिल में एक अजीब कैफ़ियत जो है वो पैदा हो गई और हर वक़्त ख़शियत का गलबा रहने लगा बहुत ज़्यादा हज फिर इन्होंने किए बल्कि जो है जब ये हज करने जाते तो ये आवाज़ भी आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एफजैल तेरे हज के सदके सब का हज कबूल कर लिया ये कैफ़ियत भी फिर इनको नसीब हुई और ये जो है वो जाज के के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और तवाफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा रोया करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फिर बहुत ज़्यादा शान अता फरमाई डॉक्टर साहब इन्होंने बनू उमय्या और बनू अब्बास का दौर भी देखा तो बादशाहों के साथ इनका जो है वो कैसे ताल्लुकात थे इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएं जी सियासी हवाले से अगर हम देखें तो हज़रत फजैल इबन अयाज़ रजी अल्लाह तु ने अपनी उम्र के अंदर ज़्यादा दौर तो जो है वो बनु अमैया का भी देखा फिर अब्बासी खुलफा का दौर जो है वो भी इन्होंने देखा और उसका जोबन देखा यानी हज़रत जो फजैल इबन अयाज़ फिर नज़ील हहरामैन हो गए थे बल्कि इनको फिर आबिदुल हरा का लकब दिया गया और अब भी किताबों में जहाँ हज़रत फ़ज़ैल इब्ने अयाज़ का नाम आता है वहाँ आबिदुल हरामैन के लकब से इन्हें याद किया जाता है कि ये वो हस्ती हैं जो मोतिक हुए हरम शरीफ में और खाना काबा के पास डेरा लगा के बैठ गए और मदीना पाक में जाया करते थे और यही फिर इनकी ज़िंदगी का शगफ था कि अदीस पढ़ाते थे और फिर इनके बड़े अजीम खुलाफा में से हज़रत इब्राहिम बिन अधम जैसी अज़ीम हस्ती का नाम आता है इनशाला जिनका ज़िक्र आइंदा प्रोग्राम में करेंगे और जो रूहानी सिलसिला और अमानत रूहानी है वो फिर इनके सीने से हज़रत इब्राहीम बिन अधम जैसी अज़ीम हस्ती को मुंतकिल हुई और इसी तरह हज़रत बिशर हाफ़ी जैसी अज़ीम हस्ती भी इनके शागिदों और इनके तलामज़ा में थी तो फिर इनकी जो है वो फज़ीलत का क्या मकाम होगा और कैसे उसको मापा जा सकता है और हारून रशीद एक दफ़ा हाज करने आया और फज़ल बिन रबी और ये रिवायत हजरत सईदमा दाता उजवली ने, ने माज़ूब में लिखी कि हज़रत फजल बिन रबी बहुत नेक हस्ती थे उनसे कहने लगा कि आप मेरे वजीर भी हैं और मेरे साथी भी हैं ज़रा मेरे साथ चलें और मेरा मैं अपने दिल को नरम करने के लिए अरून रशीद उल्मा और मशाख की बहुत तज़ीम करता और उनकी सोबत में बैठने का उसका दिल होता तो उसने फजल बिन रबी से कहा कि मुझे मक् के नेक लोगों के पास ले चलो मैं उनकी सोबत में बैठना चाहता हूँ तो सबसे पहले फ़जल बिन रबी ने सोचा कि यहाँ पे तो जो है वो एक बहुत बड़ी नेक हस्ती शेख़ रजा का सनानी मौजूद है तो उनके पास ले गए थोड़ी देर हारून रशीद उनसे बातें करता रहा और फिर कहा जनाब आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताएं तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़लाँ बंदे का मैंने कर्ज़ देना है तो वो पैसे पेश किए और कर्ज़ा उतारने के लिए उनकी ख़िदमत की उठाया कहा अभी मज़ा नहीं आया किसी और से मिलवाओ वो फिर हज़रत सुफियान बिन वैना के पास ले गया जो बहुत बड़े मुद्दस थे थोड़ी देर वहाँ भी अरुण रशीद बैठा रहा गुफ्तु करता रहा उनसे नसीहत हासिल करता रहा और फिर उनको भी कोई कर्ज उन्होंने अदा करना था उनकी भी माली ख़िदमत की और फिर उठा और कहा अभी भी मेरा जो है ना वो दिल राज़ी नहीं हुआ किसी अल्लाह वाले के पास मजीद आगे ले चलो तो फज़ल बिन रबी ने कहा कि अब एक ही हस्ती हैं जिनके पास मैं आपको ले जा सकता हूँ और वो हज़रत फजैल इब्ने अयाज़ रजी अल्लाह तुय है जो बाहर नहीं निकलते जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो अंदर बैठ के तस्बी पढ़ रहे थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल थे चराग जला रखा था फजल बिन रबी अंदर गया और कहा कि खलीफ़ा हारून रशीद आपको ख़लीफतलमसलिमीन मिलना चाहते हैं आपने कहा मेरा उससे मिलने में क्या फ़ायदा क्या नफ़ा तो अगर वो आना ही चाहता है तो चराग बुझा दो ताकि मेरी नज़र उसके चेहरे पे ना पड़े मैं अपने मौला के चेहरे का मुश्ताक हूँ मुझे और किसी को देखने का शौक़ नहीं चराग बुझा दिया और अरून रशीद अंदर दाखिल हुआ अंदर दाखिल होते ही रोब और कपी उसके ऊपर तारी हो गई जो अल्लाह वालों की बारगाह का शेवा हुआ करता है तो वहाँ बैठ गया और कहा कि बल्कि आपको सलाम लेने के लिए जब अंधेरे में हाथ टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो जब उसका नरम नाजिक हाथ हज़रत फुजैल इब्ने हयाज के हाथ से टकराया तो आपकी दिल से एक चीख निकली और आपने कहा ए खलीफा तेरा ये रेशमी हाथ देख कर मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि जहन्नुम की आग से अपने इन हाथों को बचा के रखना वरना तेरा क्या बनेगा तो फिर उस उसका गिरिया जारी हो गया और वो रोने लगा उसने कहा मैं आपसे नसीहत लेने आया हूँ मुझे कोई नसीहत करें तो आपने कहा तेरा बाप और तेरा दादा हजूर सल्ला का सगा चचा था और तेरा बाप हजूर के चचा का बेटा था अपने बाप और अपने दादा को हजूर की कचहरी में शर्मसार ना करना कोई ऐसा अमल ना करना कि तेरे बाप दादा को तेरी वजह से शर्मसार होना पड़े फिर रोया फिर कहने लगा मुझे और कोई नसीहत फरमाए तो आपने उसे मजीद फरमाया कि अदब सीखो हज़ू की अहल बैत का अदब करो हज़ूर के सारे सहाबा का अदब करो ये वसीयत भी फरमाई जिसमें हज़रत फजैल इब्ने अयाज के अकीदे में तोज़न हमें नज़र आता है और फिर वो उसने कहा मुझे मज़ीद नसीहत फरमाए तो आपने मज़ीद भी उसे नसीहत फरमाते रहे फिर वो वही उसने हरबा आज़माया जनाब आप के ऊपर अग, अगर कोई कर्ज हो तो वो मैं आपका अदा करना चाहता हूँ तो हजरत फजैल इबन अयाज का क्या खूबसूरत जवाब था आपने कहा मेरे ऊपर एक कर्ज़ है लेकिन वो तुम अदा नहीं कर सकते कहा वो कौन सा कर्ज़ है तो आपने फ़रमाया वो अल्लाह की इतात का कर्ज है जो मैंने उसका अदा करना है वाँ वाँ। अगर वो अदा कर सकते हो तो तुम अदा करो तो फिर उसकी हालत गैर हो गई और अल्लाह का खौफ और ख़शियत उसके दिल पर तारी हुआ और जब वो उठ के जाने लगा तो आपने मज़ीद उसको नसीहतें फरमाईं और इस तरीके से वह अपने दिल का दामन भर के अदब और एहतराम के साथ आपकी खिदमत से उठ के बाहर गया इस तरीके से हजरत फजैल इब्न अय्याज ने ज़िंदगी गुजारी और फिर सन एक सौ सतासी हजरी में जब उनका विसाल हुआ तो बड़े ही तुजो एहताम के साथ आपका जनाजा हरम शरीफ की सरजमीन पर मक्का मुकर्रमा में हुआ और तीन रबी अव्वल को रबी अव्वल के महीने में आपको सपुरद ख़ाक किया गया और आज भी जन्नतुल माला की उस नूरानी सरज़मीन के जर्रे जो हैं वो आपकी खाक को समोए हुए हैं और आप अल्ला रब्ज़त के अनोार तजलियात की नूर में आज भी मगन है अल्लाह करीम उनके मज़ार पुरनवार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। डॉक्टर साहब माशा बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी आपने एक जामे गुफ्तु हजरत ख्वाजा फ़ुज आज़ रजी अल्लाह त बारे में फ़रमाई है तो नाजरीन कराम इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है आपके साथ मुलाकात होगी इन शगले प्रोग्राम में जिसमें हम इसी सिलसिले के पाँचवें बड़े इमाम हज़रत खाजा इब्राहिम बिन आदम रहा अलैह के हवाले से गुफ्तू करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिन